हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट करेंगे एक प्रॉब्लम के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 16, एंट्री नंबर एफ। कहता है बेटा, अ सम ऑफ 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह अ डेटर हुज अकाउंट वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द सूरज सिंह अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। कहता है सूरज सिंह एक डेटर था, उससे 2500 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन पहले ही उसे कभी ना कभी आपने बैड डेट दिखा दिया था बुक्स में। कहता है आज की तारीख में आपने सूरज सिंह को क्रेडिट कर दिया। मेरी तरफ देखना बेटा, अगर कोई बैड डेट हो चुका था और आज अगर उससे पैसे आए तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट। पैसा जब भी आता है बेटा, या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आपको कायदे से ये एंट्री करनी चाहिए थी 2500। कहता है आपने गलती क्या करी। कहता है पैसा आने पर आपने सूरज सिंह को ही क्रेडिट कर दिया, आपने एंट्री कर दी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज सिंह। तो बेटा करेक्शन कैसे करेंगे। कैश तो बिल्कुल सही बेटा, अमाउंट भी दिखाई गई है, सही साइड दिखाई गई है, तो कैश का तो कुछ होना ही नहीं। इसका इफेक्ट जीरो करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो बेटा इसका इफेक्ट जीरो कैसे होगा, साइड बदल दो, यानी कि एंट्री होनी चाहिए सूरज सिंह अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 2500। ऑल क्लियर, सिंपल। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17। बेटा आज का टारगेट है 4 इलस्ट्रेशन, ठीक है जी। कल का टारगेट है 5 और 2 होमवर्क दूंगा कल, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17 से। करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा, ठीक है ना। अब बाबू थोड़ा स्पीड पकड़ लो, क्योंकि कोई नया कंसेप्ट नहीं करा रहा हूं मैं। प्रबलीन, You are presented with a trial balance showing a difference which has been carried to the suspense account. The following errors are revealed. Trial balance match नहीं करा, error suspense account से आपने set off करनी है और बेटा कुछ error आपको बताता है। कहता है 350 paid in cash for a typewriter was charged to the office expense account. क्या गलत entry, क्या पहले correct entry, wrong entry, then rectification. क्या किया प्रबलीन हमने, illustration number 17 entry number A. वेरी गुड बेटा, आपने टाइपराइटर खरीदा 350 रुपए पे करे, टाइपराइटर इज एसेट, और बेटा एसेट को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। एंट्री करनी चाहिए थी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने 350 रुपए टाइपराइटर के लिए पे कर, ऐसा ही किया आपने। लेकिन आपने गलती क्या करी बेटा, आपने एंट्री कर दी ऑफिस एक्सपेंसेस में। बाबू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने एंट्री कर दी। कैश तो बेटा बिल्कुल सही प्लेस कर दिया आपने, गलती कर दी बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करके। तो कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड करना है, इसका इफेक्ट जीरो करना है। सर इसका इफेक्ट जीरो करने के लिए इसको क्रेडिट साइड में लिख दो टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और बेटा टाइपराइटर को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड कर दो बेटा टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, खत्म। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 350। अब हम क्या करेंगे बेटा, अपना मन में ही सोच लेंगे बेटा करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है ना। सीधा रेक्टिफिकेशन लिखूंगा मैं। चलो जी, कहता है बेटा गुड्स अमाउंटिंग टू ₹660 सोल्ड टू W वर करेक्टली एंटर्ड इन अ सेल्स बुक बट पोस्टेड टू द W's अकाउंट एज 760। द टोटल सेल्स फॉर द मंथ वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। दो दो गलतियां, मेरी तरफ देखना बेटा। कहता है आपने सेल करी W को 660 की, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, एंट्री क्या की होगी W टू सेल्स, करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी 660 से। कहता है सेल में तो आपने ठीक दिखा दिया, लेकिन W में आपने 760 दिखा दिया। बेटा मुझे W को डेबिट करना था 660 से, मैंने गलती से 760 से डेबिट कर दिया, तो 100 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया ना। ठीक करने के लिए क्या करूं, अगर 100 रुपए से W को क्रेडिट कर दूं तो W की तो बात ठीक हो जाएगी। मेरी तरफ देख रहे हो, लिख रहा हूं बेटा टू W 100, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बात, कहता है सेल्स, टोटल सेल्स फॉर द मंथ वाज ओवरकास्ट बाय 1000। मेरी तरफ देखना,
कहता है सेल 1000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है। सर सेल्स कहाँ दिखाई जाती है? क्रेडिट कर कर, यानी कि टू सेल्स आपने 1000 ज्यादा दिखाया हुआ। ठीक करने के लिए क्या करूं? सेल को अगर मैं डेबिट कर दूं 1000 से ठीक हो जाएगा? मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा भी, सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया बेटा 1000 से, तो बेटा 900 रुपए का क्रेडिट। समझ नहीं आ रहा कहां दिखाऊं? सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट 900 रुपी। बेटा इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना दोनों की ना अलग अलग एंट्री करी। इन्होंने क्या करा बेटा, पहले सस्पेंस टू W 100 और फिर सेल्स टू सस्पेंस 1000। मैंने बेटा कॉम्बो कर दिया। हां जी, किसी ने कुछ बोला क्या इधर से? चलो अब क्लियर है क्या बात? समझ में आई बेटा? एंट्री नंबर सी ये बताएगी मेरे को, मान्या गुड्स वर्थ 130 रिटर्न्ड बाय जी वर एंटर्ड इन अ सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयरफ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट। क्या गड़बड़ करी? गुड्स वर्थ रुपी 130 रिटर्न्ड बाय जी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल रिटर्न डेबिट टू जी 130। कहता है आपने इसको सेल बुक में दिखा दिया लेकिन जी में तो क्रेडिट ही दिखाया, मतलब क्या एंट्री करी? वो भी क्रेडिट और वो भी क्रेडिट, यही किया आपने। बाबू एंट्री करनी चाहिए थी, मेरी तरफ देखना, सेल रिटर्न टू जी ये करनी चाहिए थी। आपने क्या करा? कहता है सेल बुक में दिखा दिया लेकिन जी का अकाउंट क्रेडिट ही किया। तो बेटा जी तो सही एंट्री में भी क्रेडिट होना था, आपने गलत में भी क्रेडिट कर दिया, तो जी को तो ठीक ही नहीं करना। आपने क्या करना है? इसका इफेक्ट जीरो करना है और इसको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करूं? सेल रिटर्न डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना सर? ये बहुत आसान इलस्ट्रेशन में से एक इलस्ट्रेशन है। 130 130 260, ठीक है जी। खुशी, नेक्स्ट वन डी, गुड सोल्ड फॉर 1240 एंड डेबिटेड ऑन 20th मार्च टू सी वर रिटर्न्ड बाय हिम ऑन 23rd ऑफ मार्च एंड टेकन इनटू द स्टॉक ऑन 31st ऑफ मार्च, नो एंट्री बीइंग मेड इन द बुक फॉर रिटर्न। अबे सर स्टेटमेंट बड़ी बड़ी है, खौदा बाड़ो और निकली चुईया। क्वेश्चन बड़ा क्या हुआ बताओ, क्या होना चाहिए एंट्री? अच्छा बेटा मैं बता देता हूं, मेरी तरफ देखो। कहता है आपने सी को गुड्स बेचा 1240 का, ठीक है मेरी तरफ देखना। 20 तारीख को गुड्स बेचा होगा, 20 मार्च को। कहता है आपने सी को डेबिट कर दिया, तो करना ही चाहिए था। अगर मैंने गुड्स बेचा तो एंट्री क्या होती? सी टू सेल्स। कहता है 23 को उसने सामान वापस कर दिया, 31 तारीख को आपने स्टॉक में भी दिखा दिया लेकिन रिटर्न की एंट्री डाली। अरे कहने का मतलब है आपने सामान बेचा था, वो दे गया वापस, आप रिटर्न की एंट्री डालना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन है। तो रिटर्न की एंट्री नहीं पता, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न टू सी, खत्म। मैं पहले ही स्टेटमेंट पढ़ के मैंने बोल दिया खोदा पाड़ और निकली चुईया। तीन डेट तो ऐसे थी बेटा जैसे आपको कंफ्यूज कर देगा, कर थोड़ी पाया, ठीक है जी। मनसी का सेल रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100, क्या ही है ये क्वेश्चन? हां जी सेल्स रिटर्न चक्र, अच्छा ओवरकास्ट है, ठीक है बेटा। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है लेकिन बेटा कहता है 100 से ज्यादा है ओवरकास्ट, 100 से ज्यादा दिखाया हुआ है मैंने, यानी कि 100 से ज्यादा डेबिट किया, तो ठीक करने के लिए क्या करो? 100 से क्रेडिट कर दो बेटा, तो डेबिट क्या होगा? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? फटाफट से नोट डाउन करो ये बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। सबसे पहले एंट्री नंबर 1, बाबू स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कहता है पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। बेटा जरूरी नहीं है सस्पेंस अकाउंट होगा, ठीक है ना, पढ़कर लगा होगा पता। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस 2000 हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट या टूल्स एंड implements for use in own factory but no adjustment were made in the books। ये एंट्री मैं ही बता देता हूँ, कॉम्प्लीकेट नहीं करते, मुश्किल नहीं करते।
कहता है बेटा आपने कोई मटेरियल अपने स्टोर से निकाला, ठीक है ना, अपने गोडाउन से निकाला बेटा मटेरियल, और 2000 रुपए की लेबर भी लगाई और टूल्स एंड इक्विपमेंट अपनी फैक्ट्री में ही बनाया ताकि अपनी फैक्ट्री में यूज हो सके, ठीक है जी। कहता है कोई एंट्री नहीं करी आपने इसकी, तो बेटा कर देते हैं जर्नल एंट्री, कौन सी मुश्किल बात है। लो प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंट्री नंबर 1। बेटा एक बात बताओ, मैंने एक एसेट बनाई टूल्स एंड इक्विपमेंट, एसेट सारी क्या होती है, डेबिट हमेशा। लो बेटा टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, मेरे पास एक एसेट आ चुकी है। कहता है लेकिन इसमें 5000 का गुड्स लग गया, 2000 की वेजेस लग गई। बेटा अगर मेरे गोडाउन से ही 5000 का गुड्स लग गया, परचेजेस जब भी आती हैं बिजनेस में, गुड्स जब भी आता है हमेशा परचेजेस डेबिट होती है, लेकिन अगर गुड्स चला जाता है बेटा तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। टू परचेज अकाउंट, और बेटा 2000 की वेजेस लग गई। बेटा बाबू आपने वेजेस को क्रेडिट क्यों किया, सारे खर्चे तो डेबिट होते हैं। बेटा बाबू मैंने यहां लाइबिलिटी बनाया वेजेस को, क्लियर बात। तो बेटा 5000 रुपए के गुड्स चले गए, 2000 रुपए की वेजेस लग गई, और बेटा 7000 के टूल्स एंड इक्विपमेंट एसेट्स क्रिएट हो गए मेरे बिजनेस में, क्लियर बात। सेकेंड वन, अब आप ही बता सकते हैं, ये बताएगी हरनीत। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेज अकाउंट 13,000। ये करेक्ट है रॉन्ग? क्यों, इतना बड़ा हिंट दे दिया उसने, क्यों बिल्डिंग सीधा? ठीक है, करेक्ट रॉन्ग? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, पढ़ तो ले वेजेस है किसके लिए, हाँ बाबू इधर देखना मेरी तरफ, एक कंसेप्ट याद करा देता हूं, है थोड़ा पुराना लेकिन याद करा देता हूं। बेटा जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट होते हैं, पता है आपको, ये कभी बात सुनी है मुझसे, जिसने नहीं सुनी वो बहुत आराम से सुन लो बेटा ये बात। बाबू पुट टू यूज का क्या मतलब होता है, जब तक एसेट बेटा इस्तेमाल करने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक के जितने खर्चे आप करते हो, जिस मर्जी खर्चे का नाम ले ले बेटा वो एसेट ही है। कहने का मतलब क्या सुनना, आपने बेटा एक मशीनरी इंपोर्ट करी वैल्यूइंग 10 लाख रुपी, ठीक है, उसके बाद जब आप इन्हें इंपोर्ट करी उसके बाद बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगकर बेटा कस्टम पोर्ट से उठकर आपकी फैक्ट्री तक आई, 5000 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है जी। बाबू जब आपकी फैक्ट्री में आ गई उसके बाद आपने क्या करा, मशीन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है, मान लो वो जनरेटर ही है, बहुत वाइब्रेट करती है, आपने क्या करा बेटा एक फाउंडेशन तैयार कराई, ठीक है ना, और बेटा उसके ऊपर वो मशीनरी रखी, इसका खर्चा हुआ 10,000। इसके अलावा बेटा मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर भी फॉरन से आया और बेटा पैसे लेकर गया 50,000 रुपए। अब मशीनरी इस्तेमाल के लिए रेडी हुई है। अगर आप ये बताओगे ना कि मशीनरी आपको 10 लाख की पड़ी तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, मशीनरी मुझे 10 लाख की नहीं पड़ी, 10 लाख की तो सिर्फ मैंने इंपोर्ट करी थी, 5000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 10,000 फाउंडेशन कॉस्ट और बेटा 50,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस, सब जोड़ दो बेटा मुझे मशीनरी 10,65,000 रुपए की पड़ी। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे मशीन है, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे एसेट है। कहता है बिल्डिंग बना रहे ऑफिस की और आपने कुछ वेजेस लगाई, बेटा मैं अपना फैक्ट्री बना रहा हूं, ठीक है ना, अब वेजेस भी लग रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लग रहा है, सब जोड़ के फैक्ट्री की वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है, बस वही बात है। आपको एंट्री करनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस लग रही हैं किसके लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस मतलब बिल्डिंग ही, तो बेटा एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश 13,000, लेकिन उसने कहा आपने वेजेस में डेबिट कर दिया तो आपने एंट्री क्या करी वेजेस टू कैश, तो करेक्शन क्या होगी बिल्डिंग टू वेजेस, क्लियर बात। लिखो बराबर से करेक्ट एंट्री अपनी नोटबुक में, बिल्डिंग टू वेजेस 13,000।
थर्ड वन सिर्फ करेक्ट करेक्ट लिख लो बेटा, सॉरी रेक्टिफाइड लिख दो सिर्फ, करेक्ट और रॉन्ग लिख लेना, जगह छोड़ दो चाहे। थर्ड वन कहता है वेजेस पेड 3720 वर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एस 3270, क्या होनी चाहिए मान्य एंट्री, कितने रुपए? सीधा रेक्टिफाइड बता रही है क्या? अच्छा ठीक है बाबू, देखो वैसे मैं बता देता हूं बाबू, एक बार ना मैं एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से कर देता हूं, यहां पर ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। कहता है बेटा आपने वेजेस पे करी, आपने एंट्री की होगी वेजेस टू कैश अकाउंट, और बेटा करेक्ट फिगर 3720। अब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज देखो बड़ी बड़ी गड़बड़ लैंग्वेज है। इसने बोला वर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एज 3270, मेरी तरफ देखना। कहता है आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 3270। बेटा कायदे से इसके बारे में कुछ बोला नहीं, यानी कि बेटा सही मायने में अगर मैं सही इंटरप्रेट करूं तो वेजेस में सही रिकॉर्ड किया होगा। मैं बाबू खाली इसका आंसर देख के नहीं खुश हो सकता कि मेरा इससे मैच कर जाए या इससे जबरदस्ती मैच कराओ। उसने क्या बोला देखो, वेजेस पे करी आपने एंड अमाउंट होनी चाहिए थी 3720। कहता है आपने कैश बुक में गलत पोस्ट कर दिया सर, यानी कि जब मैं कैश अकाउंट बना रहा था या कैश बुक बना रहा था तब मैंने गलत पोस्ट कर दिया 3270, मैंने यहां गलत पोस्ट कर दिया, इसके तो जिक्र नहीं करा उसने वेज अकाउंट का क्या किया, मतलब ठीक किया ना बेटा, यहां कम दिखाया ना मैंने 3270, तो बेटा आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश को कम दिखाया, बेटा दिखा दो 450 रुपए से डेबिट कर दो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना बेटा, समझ आई ना बात। बाबू जबरदस्ती मैच मत करो इनसे आंसर, अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत कर ही रहे हैं ये, क्लियर है ना बात। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है फोर्थ वन अ चेक ऑफ 500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वाज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, अनन्या क्या एंट्री होनी चाहिए, मतलब करेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, मेरी तरफ देखना बेटा। कहता है एक चेक अशोक से आया और डिसऑनर्ड हो गया, हार्दिक चुप, एक चेक अशोक से आया और डिसऑनर्ड हो गया। बेटा अभी बीआर डिसऑनर्ड भी पढ़ा है आपने, अगर अशोक ने मुझे चेक दिया और मैंने बैंक भिजवा दिया और डिसऑनर्ड हो गया तो मैं क्या करूंगा, अशोक को दोबारा डेटर बना दूंगा कि अशोक तूने पैसे देने हैं, जब चेक ही नहीं क्लियर हुआ तेरा, और बेटा बैंक क्या करेगा मेरा अकाउंट माइनस कर देगा बेटा, यही तो करेगा बैंक। बाबू एंट्री होनी चाहिए थी ये 500 से, कहता है आपने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, अशोक की जगह सेल रिटर्न डेबिट हो गई है बेटा 500 रुपए से, तो बेटा करेक्शन कितना को मुश्किल है, क्या होगी एंट्री अशोक टू सेल रिटर्न खत्म, ठीक है ना, पढ़े आगे। चलो जी फिफ्थ वन ये बताएगी सान्या, 10,000 पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एज पर देयर कैश मेमो व्हाट डेबिटेड टू द फर्नीचर अकाउंट, परचेजेस क्यों, फर्नीचर खरीदा उसने कहा डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट में, सुन मेरी बात बाबू, कहता है आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, किसी भी फर्म का नाम देता है गोपाल फर्नीचर स्टोर से खरीदा, कहता है आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, और आपको बता देता हूं ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, करेक्ट एंट्री तो किया उन्होंने, अरे मैंने अगर फर्नीचर खरीदा है तो मैं एंट्री क्या करता हूं, मैं परचेस तो तब डेबिट करता हूं जब गुड्स खरीदता हूं, फर्नीचर खरीदा एसेट खरीदा एंट्री क्या होती है, फर्नीचर टू कैश, कह रहा आपने फर्नीचर डेबिट करा तो गलत थोड़ी किया, सही तो किया, नीचे देखना आंसर फिफ्थ वन में लिखता है करेक्ट एंट्री, सही किया, ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था उसने, ठीक है ना। कभी भी नहीं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो फर्नीचर को बिजनेस क्यों बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, हैं
बेटा गोपाल फर्नीचर स्टोर से खरीदा है। गोपाल फर्नीचर स्टोर आपकी फर्म का नाम नहीं है, हो जाता है लंगर खा लो तो ऐसा। चलो जी और भर भर के ला तू। चलो जी बेटा करते हैं नेक्स्ट वन कशिश। देयर वर थ्री कंपनसेटरी एरर। बेटा काम की बात, कहता है तीन कंपनसेटरी एरर सीए हैं। बेटा कंपनसेटरी एरर याद है ना, तो एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं। जैसे कि याद करा देता हूं, ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो, मैंने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है 100 रुपए। डिस्काउंट अलाउ करना मेरे लिए खर्चा है बेटा, तो डेबिट साइड, और मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 100 रुपए। बेटा अगर दिखा दिया तो ट्रायल बैलेंस मैच किया, मैं दोनों ही दिखाना भूल गया। तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटरी एरर, जो एक एरर दूसरी एरर का इफेक्ट नलनीफाई कर दे, उस एरर को बोला जाता है कंपनसेटरी एरर। कहता है थ्री कंपनसेटरी एरर आपने करी। देखना बेटा ये तीनों एक दूसरे की का इंपैक्ट नलनीफाई कर रही होंगी। पढ़े, कहता है परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय 100। परचेज रिटर्न बुक 100 रुपए से ज्यादा है। परचेज रिटर्न कहां पर जाता है बेटा, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट जाता है परचेज रिटर्न, लेकिन ज्यादा दिखा रखा है क्रेडिट में 100 रुपए। तो ठीक कैसे कर सकते हैं, परचेज रिटर्न को अगर डेबिट कर दूं 100 से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तीनों एरर पढ़नी है मुझे, पहली ठीक कर दी मैंने, दूसरी डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कहता महेश को आपने डिस्काउंट अलाउ करी, लेकिन डिस्काउंट अलाउड में दिखाना भूल गए 80। एंट्री क्या करनी चाहिए थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। कहता डिस्काउंट अलाउड में दिखाना भूल गया, दिखा दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 80 रुपी। नेक्स्ट वन, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द सेल बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860। सेल बुक का टोटल आ रहा था 860, आपने 680 दिखा दिया। कम दिखा दिया ज्यादा दिखा दिया, सेल को कम दिखा दिया, 860 दिखाना था उसकी जगह 680 दिखा दिया बेटा, 180 कम दिखा दिया, तो दिखा दू 180। लो जी अब एक बात बता, अगर मैं तीनों नहीं करता क्या ये कंपनसेटरी एरर है कि नहीं। तीन गलतियां करी, दो चीजों को डेबिट नहीं दिखाया 180 से, और एक चीज को क्रेडिट नहीं दिखाया 180 से, तो कंपनसेटरी तो एरर है। और तीनों को ठीक कर दिया मैंने, तो हो गया रेक्टिफिकेशन खत्म। फटाफट से नोट डाउन करना बेटा। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 20 करने का तरीका सेम है, पहले एक बार तरीका सुन लेना, सिर्फ एक ही मिनट मुझे लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। कहता है बेटा अ बुक कीपर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31st of March 19 विच शोड अ डिफरेंस ऑफ 2715। कहते हैं एक बुक कीपर ने बेटा ट्रायल बैलेंस बनाया और डिफरेंस आ रहा था 2715 का, यानी कि कुछ तो गलती करी है बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में तभी तो डिफरेंस आ रहा है। कहता है द डिफरेंस वाज प्लेस टू द डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। बाबू डिफरेंस कहां दिखा दिया, डेबिट में। लो जी मेरी तरफ देखना, यानी कि बेटा आपने ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे बनाया होगा, फॉर्मेट याद होना चाहिए जिनको याद होगा, नेम ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना बेटा। कहता है डिफरेंस आ रहा था और आपने क्या करा, डेबिट में दिखा दिया सस्पेंस अकाउंट 2715। कोई दिक्कत तो नहीं, और मैच कर दिया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और बोलता है ये कुछ गलतियां बाद में कॉन्सिक्वेंटली डिस्कवर हुई है, सॉरी सबसीक्वेंटली डिस्कवर हुई है, ठीक है जी। बाबू एक बात ध्यान रख लेना हमेशा, और आपको बाद में कहीं ना कहीं कहा भी है, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, जर्नल एंट्री भी पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। बाबू अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस की अमाउंट गिवन है ना, तो हमेशा ध्यान रख लेना कभी भी ना सस्पेंस का कोई बैलेंस बचेगा नहीं। अब करेगा क्या इसने, आपको क्या कहा सस्पेंस अकाउंट बनाओ। बेटा सस्पेंस को मैंने पहले डेबिट किया हुआ ट्रायल बैलेंस में, सस्पेंस इज ऑन अ डेबिट साइड, तो बेटा बैलेंस शुड बी ब्रॉट डाउन टू द डेबिट साइड, ठीक है ना। और बाकी मैं जितनी जर्नल एंट्री करूंगा, जहां जहां भी सस्पेंस आएगा, कोई क्रेडिट आएगा कोई डेबिट आएगा, मैं दिखा दूंगा, देख लेना बाद में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। अगर नहीं बचा तो समझ लेना तुमने क्वेश्चन ठीक किया है, और अगर आपने बैलेंस बचा दिया समझ लेना क्वेश्चन आपने गड़बड़ किया। किसी भी क्वेश्चन में अब तक मुझे क्या सस्पेंस का बैलेंस दिया होता था, आज पहली बार दिया ना, तो हमेशा ध्यान रख लेना, बहुत बड़ा हिंट होता है बेटा कि आपसे ये सारी एरर रेक्टिफाई करा लेगा।
2715 का डिफरेंस है, 2715 की सारी एरर रेक्टिफाई करा लेगा। अगर कोई बैलेंस निकाल दिया आपने तो समझ लेना क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। क्लियर बात? अभी करेंगे इलस्ट्रेशन 20 की लैंग्वेज पढ़ेंगे पहले। अ लेजर कीपर कुड नॉट एग्री दैट ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। He transferred an amount of 1859 being excess of the debit side to the suspense account. मेरी तरफ देखना, समझदार जितने अच्छे से पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी के बेटा बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, डेबिट में लिखा सस्पेंस या क्रेडिट में लिखा? डेबिट में लिखा या क्रेडिट में लिखा? अबे क्या लिखा, डेबिट में क्रेडिट में? अरे तुम्हारे से लैंग्वेज नहीं बढ़ी आती, सबसे बड़ी तो परेशानी है। फिर कहते हो हम अंग्रेजी में 100 बटा 100 लाते हैं। ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड टू द सस्पेंस अकाउंट। मेरी तरफ देखना बेटा, कहता है उसने एक अमाउंट 1859 की सस्पेंस अकाउंट में डाल दी। क्यों? बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी। अगर डेबिट साइड बड़ी थी तो ऑब्वियस बात है बेटा, मैच करने के लिए आपने क्रेडिट साइड में डाला होगा। और अगर इतना नहीं पढ़ना आ रहा है ना आपको, तो बस बेटा संन्यास ले लो, कोई नहीं है तुम्हारे अकाउंट्स बस की, पहाड़ों पे चले जाओ बस। एक सिंपल सी लाइन नहीं बढ़ी जा रही तुम्हारे से, समझ में आई बात? और अगर बेटा मेरे को एग्जैक्ट डिफरेंस बताया ट्रायल बैलेंस का, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बैलेंस निकल जाए। यानी कि सारी जब एंट्रियां करेक्ट कर लोगे तो सस्पेंस का बैलेंस जीरो आएगा। करें बेटा स्टार्ट, पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19, प्रॉब्लम लूंगा मैं, फटाफट से स्टार्ट कर दो। सेवेंथ एंट्री, एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ द ओल्ड मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। सर ये बहुत कंफ्यूज कर सकती है बच्चों को, मेरी तरफ देखना बाबू। अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हो और उसको बेटा वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर या ओवरहोलिंग करते हो, तो ये सारा पैसा मशीन होता है। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं, मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 10,000 की, ठीक है, बट इट इज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन, हमने इस पर ओवरहोलिंग कराई। ओवरहोलिंग समझते हो? ओवरहोलिंग बोलते हैं बेटा मेजर रिपेयर को, जब किसी चीज को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर कराते हैं ना, तो उसे ओवरहोलिंग बोलते हैं। और मैंने ओवरहोलिंग कर दी उसके ऊपर 5,000 रुपए की, तो ये मत कह देना किसी को कि मशीनरी पड़ी तुम्हें 10,000 की, आप एंट्री करेंगे मशीनरी टू कैश 15,000, 10 की खरीदी थी, 5,000 ओवरहोलिंग पे लगे। जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई, वर्किंग कंडीशन में नहीं आई, तब तक के सारे खर्चे मशीन है। लेकिन अब इसने दिया तो ओल्ड मशीनरी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए रिपेयर रिपेयर सब डाल दिया, आप परेशान मत होना। आप कहता है बेटा 750 रुपए रिपेयर पे लगाए ओल्ड मशीनरी के और डेबिट कर दिए रिपेयर में। सर ठीक तो किया, क्या इसने ये कहा कि ओवरहोलिंग पे खर्च करे? क्या इसने ये कहा कि सेकेंड मशीनरी परचेस करने पर खर्च करे? क्या इसने ये कहा पुट टू यूज करने पर खर्च करे? उन्हें कहा एक पुरानी मशीनरी थी, आपने 750 रुपए रिपेयर पे लगा दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ये मशीनरी नहीं है ना बेटा, ये खर्चा एंट्री कौन चाहिए थी? रिपेयर टू कैश। कहता आपने डेबिट करा रिपेयर में, तो ठीक तो किया, यानी कि करेक्ट एंट्री तो करी। वो जान के कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है चीज, कि आप इसे ओवरहोलिंग समझ के इसकी करेक्शन कर दें। क्लियर है ना बात? ऑल ओके बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 20 होमवर्क मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 20, ठीक है जी? ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, आज कम ही दे रहा हूं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।